भाई लोग यार, कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे यार, और कैरम पूल आपका अच्छा चल रहा होगा। तो भाई लोग, आज अपन बात करने वाले हैं मतलब एक ट्रिक है। मतलब मैंने इस पिछली वीडियो में बताया था कि तूफान के लिए कैसा एक ट्रिक वर्क करना है, तो उसी तरह से अपन माया के लिए भी एक ट्रिक है। मतलब सेम स्ट्राइकर है भाई, सिंगापुर के स्ट्राइकर, मतलब एक ही कैटेगरी के आ गए वो एपिक स्ट्राइकर में। तो भाई लोग चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं अभी अपना। तो सबसे पहले जो है ना, अपनी चेस्ट जो होती है ना, उसको सबसे पहले पूरे पूरे की चेस्ट ओपन कर लेने हैं अपने, जितने भी यहाँ पे लगे रहते हैं अपने कैरम पूल की लॉबी में, ठीक है। तो जैसे ही अपने पूरे चेस्ट ऐसे खाली हो जाएंगे, तब क्या करना है, अपन ने सीधा सिंगापुर का मैच स्टार्ट कर देना है, ठीक है। मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर आप पूरे के पूरे चेस्ट खाली कर दोगे वहाँ से, तो उससे क्या होगा, गोल्डन जो चेस्ट रहता है सिंगापुर का, उसके चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, मिलने के। मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको गोल्डन चेस्ट ही मिल जाएंगे। तो इसलिए बोलता हूँ कि पूरे चेस्ट खाली करने के बाद ही अपना सिंगापुर का मैच स्टार्ट करना है, ठीक है। और जैसे मर्जी आपका आपको खेलना है, मैंने पहले भी यही बताया आपको कि आपसे नहीं होता तो लूलू यूज़ कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन को यार स्ट्राइकर तो होना है, ठीक है। क्योंकि जो माया और तूफान है उसकी ज़्यादा डिमांड रहती है ना, सभी को वो स्ट्राइकर चाहिए, इसलिए तो ऐसा खेलना है भाई। मतलब पूरा सेफ खेलना है अपन को, मतलब अपोनेंट को ज़्यादा चांस नहीं देना है। आपको तो पता ही है यार, सिंगापुर में जो अपोनेंट आते हैं भाई, वो तो पूरे गॉड लेवल के अपोनेंट रहते हैं। उनको हराना थोड़ा दिक्कत में आ सकता है अपन, क्योंकि उनके पास अगर ब्रेक गया ना तो भाई वो फिनिश कर डालते हैं, ठीक है। तो ये किशोर भाई के साथ अपना मैच लगा था पहले, तो आप देखना यार अब अपन ने कैसा मैच निकाला है। तो भाई भी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन भाई का थोड़ा सा नसीब ख़राब था और बाय मिस्टेकनली उनका फाउल हो जाता है यहाँ पे। तो यार ये बोर्ड तो अपने लिए इजी हो गया था अभी, लेकिन फिर भी ऐसा गड़बड़ नहीं करने का, मस्त आराम से खेलने का। तो आप देख सकते हो जहाँ भी अपन फंसेंगे ना, वहाँ से अपन कैसे बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो ये बोर्ड तो थोड़ा आसान था, तो आपने ये गेम ध्यान से देखना है और आपको भी पूरा ऐसे ही खेलना है, ठीक है, ताकि अपन को सिंगापुर मतलब जीतना है। क्योंकि भाई लोग जो कॉइन रहते हैं सिंगापुर, इतना कॉइन्स चला जाता है भाई, एक सिंगापुर हारे तो कैसा मन ख़राब हो जाता है, मतलब खेलने का मन ही नहीं रहता, ठीक है। तो ध्यान से खेलना है भाई लोग, तो ऐसे ही खेलो मस्त बिल्कुल, और अपना चेस्ट लगा लो जो भी है। और गोल्डन अगर आपको मिल गया तो कैसा आसानी से खुल जाएगा माया, ठीक है, तीन चार चेस्ट ही खुल लगते हैं, ठीक है। तो भाई लोग देखो, अपन ने गोल्डन चेस्ट हासिल कर लिया, तो वो चेस्ट को अपन वैसे ही पड़े रहने देंगे, क्योंकि यही बात है भाई कि जो अगर गोल्डन चेस्ट मिल गया ना, तो उसके बाजू में गोल्डन चेस्ट ही आएगा, मतलब ज़्यादा चांस है। ऐसा ऐसा नहीं है मतलब कि आएगा ही करके, ऐसा नहीं, आ जाएगा, ठीक है। और वापस दूसरा अगर कोई चेस्ट आएगा, सब जो ब्रॉन्ज चेस्ट आ गया या फिर सिल्वर आ गया, तो उसको क्या करना है, ब्रॉन्ज चेस्ट अगर आ गया तो उसको खोल लेना है, ठीक है, वहाँ पर उसको नहीं रहने देना है, क्योंकि गोल्डन चेस्ट के बाजू में सिल्वर या फिर गोल्डन ही चेस्ट लगाना है अपन को। ब्रॉन्ज चेस्ट का अपन को कुछ काम नहीं है, क्योंकि हाँ भाई मिलता है भाई, ब्रॉन्ज चेस्ट में भी माया मिलता है। मैंने खुद मेरी दोस्त की आईडी में उसको माया खुला है, मतलब ब्रॉन्ज चेस्ट में, ठीक है, आधा खुलता है ब्रॉन्ज चेस्ट में, और गोल्डन चेस्ट में कभी कभी पूरा भी दे देते हैं, और नहीं दिया तो आधा जो खुल गया अपन को तो भी ठीक है, अगले चेस्ट में अपन खोल लेंगे उसको, है ना। तो ये चीज़ दोनों ध्यान में रखना है। और अपन देखो यार, बातों बातों में अपन ने ये पूरा बोर्ड अपन ने श्योर कर लिया, लेकिन ये देखो ये पग जो होती है थोड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थी, लेकिन अपन ने इसको कैसे लिया, देखो अभी ये ब्रश है सामने वाली पग के ऊपर, अपन ने ब्रश लिया है, तो ये भी बोर्ड अपन ने आसानी से जीत लिया है। तो इसमें देखो अपन ने, अपन को सिर्फ ये कौन सा चेस्ट मिला है देखना, इसमें अपन को ब्रॉन्ज चेस्ट मिला है, और अपन क्या करेंगे, वो ब्रॉन्ज चेस्ट को अपन नहीं रहने देंगे, ठीक है, उसको खोल देंगे और वापस से अपना सिंगापुर खेलना स्टार्ट कर देंगे, जब तक कि अपने के पास अच्छे वाले चेस्ट मतलब सिल्वर और गोल्डन जमा नहीं हो जाते, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें पूरी समझ में आई होगी, और ऐसे ही आपने चेस्ट खोलना है और अपना माया और तूफान के लिए ट्राई करना है, ठीक है, तो आपको जल्दी से मिल जाएगा। ये ट्रिक मैं हर वक्त तो यूज करता हूँ, तो इससे मैंने मेरा माया का आधा पक खोला था, और तूफान तो मैंने ये ट्रिक से पूरा निकाला है, ठीक है। तो जो दोस्त लोग हैं मेरे, उनको भी मैंने माया और तूफान ऐसे निकाल के दिया है, तो ये वर्क करता है हमेशा, तो आप भी खेलो। और
निकालो यार चेस्ट, और बाय चांस किसी को आधा अगर स्ट्राइकर का पक्स मिला है, मतलब पीसेस मिला है, तो उसको कैरम पास में भी मिल सकता है, क्योंकि मुझे भी कैरम पास में उसके माया के आधे वाले जो पीसेस बचे थे वो मिल चुके थे। ठीक है भाई लोग, तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।